किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भिंडी में लगने वाले मिलीबग कीट के बारे में। यह कीट भिंडी के अलावा कपास, अमरूद, गुड़हल और जीनिया जैसे और भी कई फसलों में लगता है और इन पौधों में ये इनका रस चूसकर उनमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान करता है। किसान भाइयों, मिलीबग रुई की तरह दिखाई देने वाले छोटे अंडाकार मुलायम शरीर वाले रस चूसक कीट होते हैं। वयस्क मिलीबग पत्तियों, तनों, फलों तथा जड़ों में पाए जाते हैं जो सफ़ेद मिलीवैक्स से ढके हुए होते हैं, जिस कारण इनको ख़त्म करना मुश्किल होता है। ये कीट तनों तथा पत्तियों में कॉलोनी बनाकर रहते हैं जहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। इस कीट के निम्फ तथा वयस्क दोनों ही पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं तथा इसके बाद ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। इस कीट के ज़्यादा अटैक होने पर पत्तियाँ तथा फल गिर जाते हैं और कभी कभार पेड़ भी मर सकते हैं। किसान भाइयों, जब फलों में इस कीट का अटैक होता है तो ये कीट पूरे फल को ढक लेते हैं, जिससे फल गिर जाते हैं या फिर फल पेड़ में ही सूख जाते हैं। किसान भाइयों, ये कीट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौधों से रस चूसते हैं और बाद में हनीड्यू का स्राव भी करते हैं। हनीड्यू शहद की तरह मीठा पदार्थ होता है जिसको चींटियाँ खाती हैं और बदले में मिलीबग की रक्षा करती हैं उन कीटों से जो कीट मिलीबग को खाते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। सबसे पहला काम आपको यह करना है, इन चींटियों का आपने नियंत्रण करना है क्योंकि चींटियां मिलीबग की रक्षा करते हैं जिससे इस कीट की संख्या बढ़ते रहती है। किसान भाइयों, खेत के आसपास जितनी भी घास हो उसको आप नष्ट कर दें। यदि आप खेत में भिंडी लगाना चाह रहे हों तो उसके आसपास जीनिया, कपास, गुड़हल, अमरूद और भी ऐसी फसल जिनमें ये कीट अटैक करते हैं वो आसपास भिंडी के खेत के ना हो। जिन पौधों में किसान भाइयों मिलीबग लग चुका हो उसमें आप पानी की तेज़ धार से इन कीटों को हटा सकते हैं। चूँकि ये कीट उड़ नहीं सकते हैं, ज़मीन में गिर जाते हैं और ये ज़मीन में गिरकर मर जाते हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। किसान भाइयों, आप स्टिकी बैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
स्टिकी बैंड्स में ये मिलीबग चिपक कर मर जाते हैं, जिससे आसानी से इस कीट का आप नियंत्रण कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।